वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अगर आपको एडसन का अप्रूवल नहीं मिल रहा तो आप किस तरह अपने एडमोब के मतलब एड्स भी अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं। एडमोब के जो एड्स हैं वो आप अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं, सिर्फ बैनर ऐड, ठीक है। तो क्योंकि एडसन का अक्सर अप्रूवल मिलता भी नहीं है यार, बहुत परेशानी होती है एडसन का अप्रूवल लेने में। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप अपनी ब्लॉगर वेबसाइट है या वर्डप्रेस वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट में आप अपने एडमोब के एड्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि एडमोब का जो अकाउंट है उससे तो बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाता है, 12 से 13 घंटे में उसका तो अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन एडसन का अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए डोमेन वगैरह बाई करना होता है, टेम्पलेट बाई करना होता है, बहुत सही यार झंझट है। लेकिन इससे बेहतर है कि आप एडमोब के भी अप्रूवल लेकर उसमें अपनी वेबसाइट में एड्स लगा सकते हैं। पहले इससे मैंने वीडियो डाली हुई है जिसमें आपको एडसन के अल्टरनेटिव काफ़ी सारी जो कि मेथड हैं वेबसाइट्स प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के साथ शेयर किए, आप लोगों को बताए हैं। उसके अलावा एडमोब के अल्टरनेटिव भी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने डाली हैं। जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल का विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सी वीडियो सिर्फ और सिर्फ डालता है टेक्निकल मास्टर और ट्रिक्सर्स मास्टर। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आपने इस कोड को डाउनलोड कर लेना है। ये जावा स्क्रिप्ट कोड है जिसके ज़रिए हमने एडमोब के ऐड को वर्क करवाना है। तो एडमोब के ऐड को वर्क करवाने के लिए आपको जावा स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। तो जावा स्क्रिप्ट की लिंक जो है आपको इस कोड की जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये आपको चला जाएगा आपके ड्राइवर में डाउनलोड हो जाएगा, सो ड्राइवर में जाकर आपने इसको ओपन करना है। तो दोस्तों इसको ओपन करने से ये कुछ इस तरह से आपको इसको इंटरफेस आएगा, जो कि आप HTML व्यूअर में इसको ओपन कर सकते हैं, HTML व्यूअर में या HTML एडिटर वगैरह में भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसको आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका मतलब कि कोड ये आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ आपने चेंजिंग क्या करनी है, देखिए जो आपको एडमोब का अकाउंट तो बनाना मैं आपको नहीं सिखाने वाला, क्योंकि एडमोब का अकाउंट आपको बनाना आता ही होगा। तो जो डेवलपर है उनको तो अच्छी तरह से आता होगा एडमोब का अकाउंट बनाना और उस पर वर्क करना, ठीक है। तो एडमोब का अकाउंट बनाना, एडमोब का अकाउंट बनाने के बाद वहाँ से आपने बैनर ऐड सिर्फ क्रिएट करना है, अदरवाइज़ नहीं। अगर एप्लीकेशंस हैं तो आप तमाम ऐड्स को क्रिएट कर सकते हैं, इंटरशियल और रिवार्डेड ऐड को भी। सो हमने यहाँ बैनर ऐड का ही सिर्फ इस्तेमाल करना है। तो बैनर ऐड यानी कि ऐड यूनिट आईडी क्रिएट करने के बाद आपने उसको थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। सो दोस्तों जो बैनर आईडी आप ऐड यूनिट की बैनर आईडी ऐड यूनिट क्रिएट करेंगे वो इस तरह से आपको ऐड मिलेगा, ठीक है, यहाँ इस तरह से आपको मिलेगा। अब इसमें आपने क्या करना है, यहाँ स्लैश से जो आगे वाला है उससे इनसे को अलग कर देना है, इस वाले हिस्से को अलग कर देना है। जो यहाँ देखें मैंने अलग किया हुआ है, इधर वाला हिस्सा अलग किया हुआ है, इधर वाला हिस्सा अलग किया हुआ है। सबसे पहले आपने मतलब कि ये इस साइड वाला हिस्से को कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके आपने यहाँ आना है और यहाँ आकर आपने यहाँ इसको मतलब के ऊपर वाली जो के PUB आईडी है ना, ऊपर वाली, पहले आपने ऊपर वाली आईडी में इसको एडिट करना है, उसके बाद आपने नीचे वाली में करना है। इसको आल को आपने कॉपी करके अपने किसी भी नोटपैड में पहले इसको आपने पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको आल को कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्ट आल कर लेते हैं और इसके बाद कॉपी कर लेते हैं। अब चले जाते हैं हम इसी में ही, और इसमें जाने के बाद मैं इसको स्क्रॉल करके यहाँ मतलब कि मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ हमने इसको पेस्ट कर लिया, अब स्क्रॉल करके यहाँ देखें एक आईडी हमारी यहाँ लगी हुई है, एक यहाँ लगी हुई है। पहले हम ऊपर वाली आईडी को कॉपी करते हैं, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और नीचे जो ऊपर हमारी पहले नंबर पर आईडी लगी है वो यहाँ लगी हुई है, तो यहाँ इसको हमने यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये पेस्ट होगी, उसके बाद सेकेंड को हमने कॉपी करना है जो हमने अलग अलग की हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ गया यहाँ पर, तो यहाँ ये दूसरे नंबर पर हमने इसको भी पेस्ट कर देना है। यहाँ पेस्ट करने के बाद अब इसको आपने आल को कॉपी कर लेना है। सो यहाँ इसको आल को आपने कॉपी कर लेना है, उसके बाद आपने चले जाना है अपनी वेबसाइट में। सो दोस्तों वो जो कोड है आपने वहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ देखें मैंने ब्लॉगर को ओपन किया हुआ है। सो ब्लॉगर में आने के बाद आपने लेआउट पर क्लिक करना है, ठीक है। लेआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जहाँ मतलब के टॉप पर आपने दिखाना है तो ऐड गैजेट पर क्लिक करके मतलब कि यहाँ आपने ऐड गैजेट पर क्लिक कर लिया। ऐड गैजेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखें HTML जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करके मतलब कि यहाँ गैजेट को ऐड करना है और यहाँ आपने वो कोड कॉपी करना है, जो पेस्ट करना है जो कोड वहाँ से आपने एडमोब का बनाया है और ऐड बनाया है उसको यहाँ आपने पेस्ट कर देना है। तो जहाँ जहाँ आप मतलब ऐड दिखाना चाहते हैं बैनर ऐड वहाँ वहाँ आप इसको ऐड कर सकते हैं या टॉप पर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है सारा हर जगह पर अपना कोड जो कि एडमोब का ऐड लगाया हुआ है, सो मैं आप लोगों को लगा के नहीं दिखा रहा, इसी तरह आपने लगाना है, ठीक है। उसके अलावा आप इसको पोस्ट में भी लगा सकते हैं, पोस्ट में जाना है। पोस्ट में जाने के बाद आपने एडिट पोस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। एडिट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद जो जिस पोस्ट में आप टॉप में या सेंटर में कहीं भी लगाना चाहते हैं आप इसको बैनर ऐड को लगा सकते हैं। यहाँ देखें मेरा यहाँ ऑलरेडी टॉप पे लगा हुआ है पोस्ट पे, ठीक है, यहाँ ऑलरेडी मेरे इस पोस्ट पे लगा हुआ है टॉप पे।
आपने इसको किस तरह करना है, एच टी या एडिट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपने एच टी एम एल पे क्लिक करना है। एच टी एम एल पे क्लिक करने के बाद जहां आप उस ऐड को शो करवाना चाहते हैं वहां जाकर आपने इसको पेस्ट कर देना है कोड को, और इसको आपने अपडेट कर देना है ऊपर से, तो वो आपका उसी पोस्ट में वहीं वहीं ये बैनर ऐड लोगों को शो होगा, जो कि आपको वहाँ से अच्छी खासी क्लिक्स मिल सकते हैं और वहाँ से अच्छी खासी आप एडमोब पर भी अर्निंग कर सकते हैं। एडसन का अगर अप्रूवल है तो वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं इस तरह। तो अब बात करते हैं कि अगर अक्सर आता है स्क्रिप्ट्स, वायरल स्क्रिप्ट्स आती हैं। वायरल स्क्रिप्ट्स का मतलब ये है कि जो कि विशिंग स्क्रिप्ट्स होती है ना, जो कि व्हाट्सएप पर लोग बहुत शेयर करते हैं उनको, तो वहाँ भी आप ये अपने ऐड लगा सकते हैं, जो कि लोग तो शेयर तो लोग करेंगे, अर्न आप करेंगे, तो वहाँ भी आप ये इसको एम्बेड कर सकते हैं ये कोड को लगाकर। ये एक बार स्क्रिप्ट ग्रुप्स में या व्हाट्सएप में शेयर करें, आगे लोगों का काम है शेयर करना, तो इस तरह आप अर्निंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर दो, नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।